Hello guys, today I am going to camera review a Mi company model number 9A Redmi 9A जो हम आज आज जो हम इसको बताने जा रहे हैं आपको के अंदर रिव्यू के मतलब टेस्टिंग करवाने जा रहे हैं। ये कंपनी मी का है और रेडमी 9A है। इसका हम कैमरा मुकम्मल दिखाने के, अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग देखना चाह रहे हैं ऊपर आई बटन दिया गया है, आई बटन पे क्लिक करें और इसकी अनबॉक्सिंग पूरी देख लें। आइए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या परफॉर्मेंस मिलती है। लेट्स गो। फाइनली हम ये जो है कैमरे का टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैमरे के पहले ऑप्शन रिव्यू बताते हैं। ये प्रो ऑप्शन है, इसमें आपको ऑटो मिलता है सेटिंग का, आप ऑटो फोकस लगा सकते हो, ऑटो सर्विस होती है इनकी, ऑटो लगा सकते हो। यहाँ से जाकर आप इसको कलर्स चेंज कर सकते हो बेहतर के लिहाज के, अगर रोशनी बहुत ज़्यादा है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अगर सूरज आप गम और शाम का वक्त है तो आप इसका इस्तेमाल करें वो रोशनी ज़्यादा कर देगा, और इस तरह अगर बारिश है इस तरह ये दिया हुआ है उन्होंने उस हिसाब से आप इसको अपनी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं, वीडियोज़ है और जो हम बैकग्राउंड वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 700p तक कर सकते हैं, 720p से लेकर हम 1080p तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम इसकी मैक्सिमम जो वीडियो हुआ उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये मज़ीद सेटिंग है इसकी, तो यहाँ पे जाकर आप सेटिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिस तरह बटन्स हैं आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप वॉल्यूम बटन पे कौन सी चीज़ सेट करना चाह रहे हैं, आप कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो फ्यूचर लेआउट आप कहाँ कहाँ पे रखना चाह रहे हैं, ये कॉमन सेटिंग अपने हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बाद में अगर आपसे कोई सेटिंग गलत हो जाती है आप रीसेंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से रीसेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोटोज़ पे आती है, फ़ोटोज़ में ये आपके पास एच ऑप्शन आता है HDR, आप वो भी फ़ोटो बना सकते हैं और अपने हिसाब से जो आपको जिस लगे, और इसकी फ्लैश लाइट है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और इसमें कुछ फ्रेम है वो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, आप जो उनसे एडजस्टमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके गाइस, और इसके अलावा हमारी जो वही सेटिंग आ जाती है फिर दोबारा आप उस सबसे सेटिंग मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद फोटोज़ है, अगर आपने कोई पोर्ट्रेट फोटोज़ लेना है इसका सैंपल हम लेके आपको दिखा देंगे। मोर पे जाएंगे, मोर पे वही सेटिंग आ जाती है, अगर नाइट मोड में है, टाइम पर लगाना है, फिर शॉर्ट वीडियो सीन लेने हैं या एडिट करना है कोई भी वीडियो को, यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हमने जो आपको बैक कैमरे का जो ऑप्शंस हैं कुछ दिखा दिए हैं, अब हम कुछ फ़ोटोज़ के सैंपल इसके लेते हैं और हम आपको वो सैंपल दिखाते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। जी जनाब, हमने आपको बैक कैमरे की वो दिखा दी हैं और आपको वीडियोस भी दिखा दी हैं, फीचर भी दिखा दी हैं, अब हम आपको फ्रंट कैमरे के बारे में बताते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आती है फ्रंट कैमरे की। मैंने कुछ फ़ोटो सैंपल लिए हैं आपके सामने, मैंने खोला हुआ है और मैं यहाँ फ़ोटो सैंपल जो ले रहा हूँ आपको पोर्ट्रेट्स में भी लिए हैं, बाकी मोस्टली जिसकी सेटिंग सेम है और जो आप देखेंगे जिसकी सेटिंग मैंने सारी बता दी फ्रंट कैमरे में, वही रियल कैमरे में वही आपको फ्रंट कैमरे में सेटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी कुछ सैंपल लिए हैं आगे मैं लगा दिए हैं, आप देख रहे होंगे ये कुछ सैंपल हैं, ये पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ भी हैं और दूसरे फ़ोटोज़ भी हैं, ये जो हमने दिखा दिए फ्रंट कैमरे से शूट किए गए हैं। हेलो व्यूअर्स, मैंने इसका आपको कैमरे का फुल रिव्यू दे दिया है फुल। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप इसकी फुल अनबॉक्सिंग देखना चाह रहे हैं आई बटन पे दिया हुआ है वहाँ पे जाके आप फुल देख सकते हैं। आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो लाइक करें और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है पार्टनर मास्टर सब्सक्राइब कर लें, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं हमारा पेज फॉलो कर लें, और आप अगर इसको देख रहे हैं फॉलो कर लें लाइक कर लें ताकि आपको ऐसी ही नोटिफिकेशंस वीडियो मोबाइल फ़ोन मोबाइल एक्सेसरी की अनबॉक्सिंग रिव्यू मिलती रहे। ओके गाइस, अब मुझे अपने होस्ट साजिद महमूद के लिए इजाज़त, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। ओके गुड बाय।